नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। वन गुजरों के विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा विधायक अमर अली खान के नेतृत्व में वन गुजर प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन विभाग से मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सपा विधायक उमर अली खान ने कहा कि आज वन गुजरों को जीवन यापन के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वन गुजर आदि मानवों की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन आज तक इनके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। वन गुजरों के विभिन्न समस्याओं को लेकर विधानसभा में भी उनकी समस्याओं को बताकर समाधान करने की मांग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वन गुजरों की विभिन्न समस्याओं को विभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन विभाग को अवगत कराया गया। उनकी समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। सब गुलाम नबी ने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि सरकार हमारे और हमारे परिवारों की रहने के लिए जगह बनवाए। प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन विभाग से अपनी समस्या रखने वालों में कई वन गुजर शामिल हुए। भाई आज डीएफओ शिवालिक से मीटिंग थी हमारी वन गुजरों के मामले में। अब आपको पता ही है कि बेचारे वन गुजर आज भी जो है आदि मानव जिंदगी गुजारने में मजबूर है। आज भी बेचारे जंगली जानवर, इनको जंगली आदमी इनको कहते हैं, वन गुजर कहते हैं, जम्मू वाले भी कहते हैं, इनके 50 नाम है, लेकिन इनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं है। हमने विधानसभा में ये मांग उठाई थी, हमने इनको कहा था कि जिस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर इन लोगों को स्थापित किया गया है, सरकार ने इनको मुख्य धारा जोड़ा है, ऐसे उत्तर प्रदेश में इनको जोड़ा जाना चाहिए। और पहले उत्तराखंड के अंदर तो उत्तर प्रदेश में था उस टाइम जब इनको विस्थापित किया गया। ऐसे इन लोगों को भी करें, सारंगी वालों को भी करें, अब बिजनौर के अंदर भी किया जा रहा है। आज माननीय विधायक जी मौलिका वन गुजरों से संबंधित मैटर कुछ लेके आए थे, तो उनको उन सभी के बारे में जो भी मतलब नियम है वो सब उनको मतलब उस तरीके से बता दिया गया है। जो उनकी समस्याएं थी वो भी सुन ली गई है। जितनों का हम लोग कर पाएंगे निराकरण हम करेंगे, बिल्कुल जो हम अपने नियम अनुसार कर पाएंगे। मेरा नाम सब गुलाम नबी है, रेंज बाशाई बाग खोल चपड़ी में रहता हूँ। हम इस मामले में यहाँ आए थे सहारनपुर डीआरओ ऑफिस में कि आर्मी के फायर होने से हमारे एक बंदे की बम लगने से उनकी डेथ हो गई थी। हरदोई जिले में घर से सामान लेने गई एक किशोरी पर बाइक सवारों ने हमला कर दिया। उसके चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। किशोरी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे जो सभी मास्क लगाए हुए थे। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है और पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। हमलावरों की पहचान की भी कोशिश की जा रही है। किशोरी पर दिन दहाड़े हमले की वारदात कोतवाली देहात इलाके के मोहलिया शिवपार में हुई। तणिया थाना क्षेत्र के कपूरापुर निवासी हरिहर अपनी पत्नी सुनीता, 14 वर्षीय बेटी मोही और 10 साल की बेटी राशि और बेटे अंकित के साथ कोतवाली देहात इलाके के मोहलिया शिवपार के पास काली मंदिर के पास किराए पर रहते हैं। हरिहर शहर कोतवाली इलाके के एक राइस मिल में मजदूरी करते हैं। रोज की तरह वो मजदूरी करने गए हुए थे। उनके 14 साल की बेटी मोही ने घर से दुकान का सामान लेने गई थी और इसी बीच एक बाइक पर सवार 3 युवक आए जो मास्क लगाए हुए थे। इन लोगों ने मोहिनी के ऊपर धारदार हथियार से चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे मोहिनी लहूलुहान हो गई, घायल होकर वहीं गिर गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जब तक दौड़े, बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए थे। ये मामला थाना कोतवाली देहात अंतर्गत मोहलिया बाईपास गाँव पड़ता है, वहीं का है, जहां पर एक लड़की और उसका परिवार किराए के मकान में रह रहा था। ये मूलतः रहने वाले टणियाव के कपूरापुर के हैं और आज ये एक दुकान पर सामान लेने गई थी। वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके चेहरे पर धारदार से हमला किया गया है। उपरोक्त में इनका इलाज अभी अस्पताल में कराया जा रहा है, इसलिए सामान्य है। अब पुलिस द्वारा इसमें जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी जानकारी आएगी, तथ्य आएंगे, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। प्राथमिक तौर पर क्या वजह पता चली, किस दिशा में पुलिस की जांच? प्राथमिक तौर पर अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से भी बता नहीं पा रही है। इसमें जो भी जानकारी आएगी उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। भाजपा की संकल्प यात्रा में बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने विरोध जताया तो उल्टे पांव भाजपा नेता भाग गए। विकास की बात पर जनता भड़क गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है। विकास की बात की जगह गाना बताया जा रहा था, इसके बाद जनता भड़क गई। झांसी की मूठ तहसील के ग्राम बरथरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही थी,
पहले हम लोगों को तो पता नहीं था मीटिंग किस चीज की चल रही। यहाँ आके जानकारी हुई कि कुछ विकास से संबंधित मीटिंगें चल रही थी, जिसमें सरकारी कर्मचारी और ये जिला पंचायत अध्यक्ष ये सभी लोग थे। तो यहाँ पे जादूगर का जादू करके कुछ चल रहा था, विकास की कोई बात नहीं हो रही थी। फिर वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते रहे कुछ देर तक। फिर इसके बाद माइक हम लोगों ने लिया कि ताकि विकास की कुछ बातें हों, कोई किसी चीज का ये लोग उद्घाटन वगैरह देखें, यहाँ अंदर गांव में चल के देखें। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पुलिस के सामने फायरिंग हो गई। फायरिंग में इंस्पेक्टर गोली का शिकार हो गए। इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर को गंजुंडवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद गांव नगला नरपति में कासगंज एसपी सौरभ दीक्षित, एएसपी जितेंद्र कुमार दुबे, सीओ विजय कुमार राणा भारी पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद हैं। पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों पक्षों में 10 बीघा जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे थे। दरअसल कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव नगला नरपति यादव बाहुल्य गांव है। यहां दो यादव परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जंग छिड़ी हुई थी। शिवपाल और दूसरे पक्ष के ऋषिपाल ने दोनों पक्ष अपना अपना हक जता रहे थे। विवाद गहराया और मामला पुलिस प्रशासन पर पहुंच गया। इधर ऋषिपाल का आपराधिक इतिहास है, इसके पास बेटे भी साथ देते हैं। उनमें से पुलिस ने दो बेटों को पिछले दिनों ही जिला बदर घोषित किया, तब से गायब है, मगर 3 बेटे पिता के साथ गाँव में ही रहते हैं। भाई खेती वाले लफड़ा है ना, तो और खेती वाले लफड़ा मतलब जो आवत है और उनके पैप थे, उनमें खेत में पैप फसाल लाई और खेत घर में गए, उनमें पैप इकट्ठे करे के और उधर ले गाड़ी में, और गाड़ी में रहे इनके बैठका पटक गया है। पुलिस उनके संग है, इनकी पुलिस सुनना है रही है कहीं, और ये जाते हैं तो बड़े यार उनके गए भैया उनके प्रमोदक, और प्रमोदक गए थाने में बैठे रहे, उनके काम सुनी ना, यहीं आए गए शाम को, इनने फायरिंग करी, फायरिंग करके अभी ये नहीं पता किसके गोली लगी कैसी लगी, इनके हथियार ना मालूम अभी नाजायज के लिए लाइसेंस के लिए। जी हमारे जो SHO सिकंदरपुर वैश्य कासगंज के हैं हरबान सिंह राठौर, उनकी सर्जरी सुबेरे 7:30 बजे कंडक्ट हो चुकी है और पूरी मेरी डॉक्टर्स की टीम के साथ वार्ता हुई है। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, और जो बुलेट उनके शोल्डर में लॉज थी उसको सक्सेसफुली निकाल दिया गया है, और डॉक्टर्स के मुताबिक ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर, और कुछ दिनों में ही एक दिन में ही मेरे ख्याल से शाम तक की या कल सुबह तक की ICU से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, और 3-4 दिन वार्ड में रहने के बाद ही विल बी रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल। वही बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि बृजभूषण को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही हैं। दरअसल गोंडा में सांसद बृजभूषण पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में CM अरविंद केजरीवाल मैंने बहुत धूर्त देखे, पर केजरीवाल जैसा धूर्त नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा धूर्त नहीं देखा। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की आंख में धूल नहीं मिर्ची डाली है। क्या केजरीवाल देश के कानून से बड़े हैं? देश की एजेंसियां जांच के लिए बुला रही है, केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली पर सांसद ये बातें बोलते हुए नजर आई, और आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि अयोध्या के संतों से चर्चा चल रही है, जनता के सहयोग से उद्धार होगा। खादी गोमाद्य मेले के समापन कार्यक्रम में BJP सांसद बृजभूषण ने इस तरह का बयान दिया। मैंने बहुत धूर्त देखे हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा धूर्त मैंने नहीं देखा है, और उसने दिल्ली की जनता में, जनता के आंखों में धूल नहीं मिर्चा डाला है, और मिर्चा डाल करके इतना दिन तक शासन करने का काम किया है। और आप देखिए कि क्या आप देश के कानून से बड़े हैं? अगर आपको देश की कोई जांच एजेंसी बना रही है, जांच करना चाहती है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सरकार की ओर से मिल रहे लाभों से उनके जीवन में आए अमूल परिवर्तन के बारे में जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे।
आज रैन विकासखंड के रामापुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के साथ बातचीत कर उनको योजना से संबंधित प्रमाण पत्र भी सौंपे और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी निश्चलानंद की ओर से राजनीति करने के आरोप को लेकर बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाएं लोगों के लिए मोदी गारंटी के रूप में बनती जा रही है। हालांकि बीएचयू गैंगरेप की घटना पर चुप्पी साधे हुए कैमरे की नजर से यहां जिश पाठक बसते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।